इंदौर जिले के महू में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। साथ ही पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी की दोस्ती पर निशाना साधा। महू शहर कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू खान के नेतृत्व में अग्रसेन चौराहा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मेन गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पहली बार महू कांग्रेस में गुटबाजी देखने को नहीं मिली। एक ही मंच पर एक दूसरे के घोर विरोधी सभी ने मंच को साझा कर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय शर्मा जी, स्टेट बैंक ऑफ SBI बैंक के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था, क्या पूरा मामला है? आज का धरना प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश के सभी SBI LIC बैंकों के सामने चल रहा है। इसका प्रमुख मुद्दा हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च की जो रिपोर्ट है, ये जो पूरे सर्विदित है, पूरे देश के जन जन को जानकारी में है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म जो कि अपने करीबी दोस्त या सखा को लाभ पहुंचाना, अपने व्यापारिक मित्र को विशेष रूप से लाभ पहुंचाना और सरकार की अधिकृत सरकार के कंट्रोल की जो कंपनियां है या LIC SBI से उसमें दबाव देकर उसमें पैसा लगवाना और देश की जो मध्यमवर्गीय जनता और गरीब जनता का और देश की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा प्रमुख आधार LIC SBI है, उसका पैसा जो अडानी समूह में लगा और अडानी समूह के द्वारा जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप है कि कागज पे खेल करके शेयरों में हेराफेरी की गई है। 2007 में जिस उद्योगपति की कोई सूची में किसी का भी स्थान नहीं था, आज वो देश के विश्व के दूसरे या तीसरे नंबर पे जो पहुंचा है, उसके पीछे पहुंचाने में हमारे देश के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर एक पोस्टर जारी करा, जिस वो पोस्टर था कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो अडानी के प्लेन में घूमते थे और आज मोदी जी प्रधानमंत्री है तो अडानी उनके प्लेन में घूमते हैं और सरकार के दबाव में LIC और SBI पैसा लगाती है। राहुल जी ने एक ही सवाल करा कि आप देश को ये बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और मेन चीज जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसका एक विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पेपर ने पोस्टर जारी करा है जिसमें ये स्पष्ट है कि सरकार जो है उद्योगपति को खिलाड़ी है और जिसने सरकार को चुना उस जनता के साथ धोखा हो रहा है, उसकी प्लेट खाली है और उद्योगपति का पूरा खजाना भर रहा है। ये पोस्टर इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान की केंद्र में बैठी भाजपा सरकार किस दिशा में जा रही है। हम कहीं वापस जो ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज करा था, ऐसे कुछ कंपनियों के राज उसके को जो है देश सुपुर्द किया जा रहा है। देश की कृषि क्षेत्र हो, रक्षा का उपक्रम बनाने का क्षेत्र हो, एयरपोर्ट हो या रेलवे हो, सभी अडानी समूह को सौंपे जा रहे हैं। इसी का एक जवाब है, ये सीधा देश के जनता को मोदी जी बताए ये रिश्ता आपका अडानी जी से क्या कहलाता है। आपका नाम? संजय शर्मा मामा, जिला किसान कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, इंदौर। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।